हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज क्लासिक। दोस्तों, आज हम जानेंगे 1972 की टॉप 10 फिल्मों के बारे में। सन 1972 में 10वें नंबर पर है फिल्म समाधि। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में धर्मेंद्र, आशा पारेख और जया भादुड़ी हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रकाश मेहरा और म्यूजिक आर डी बर्मन ने दिया है। फिल्म की कमाई 1,60,00,000 हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट गई थी। 9वें नंबर पर है फिल्म जवानी दीवानी। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में रणधीर कपूर और जया भादुड़ी हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं नरेंद्र बेदी और म्यूजिक आर डी बर्मन ने दिया है। फिल्म की कमाई 1,75,00,000 हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट गई थी। 8वें नंबर पर है फिल्म विक्टोरिया नंबर 203। ये एक हीस्ट कॉमेडी फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में नवीन निश्चल, प्राण, अशोक कुमार और सायरा बानो हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं ब्रिज सदाना और म्यूजिक कलांजी आनंद जी ने दिया है। फिल्म की कमाई 2,00,00,000 हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट गई थी। 7वें नंबर पर है फिल्म अपना देश। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में राजेश खन्ना और मुमताज हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं जम्बू और म्यूजिक आर डी बर्मन ने दिया है। फिल्म की कमाई 2,10,00,000 हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट गई थी। 6वें नंबर पर है फिल्म गोरा और काला। ये एक एक्शन क्राइम फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में राजेंद्र कुमार, रेखा और हेमा मालिनी हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं नरेश कुमार और प्रोड्यूसर हैं राजकुमार कोहली। म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है। फिल्म की कमाई 2,20,00,000 हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट गई थी। 5वें नंबर पर है फिल्म बेईमान। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में मनोज कुमार और राखी हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं सोहनलाल कंवर और म्यूजिक शंकर जयकिशन ने दिया है। फिल्म की कमाई 2,25,00,000 हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट गई थी। 4वें नंबर पर है फिल्म राजा जानी। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं मोहन सहगल और म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है। फिल्म की कमाई 2,50,00,000 हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट गई थी। 3रे नंबर पर है फिल्म दुश्मन। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में राजेश खन्ना, मुमताज और मीना कुमारी हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं दुलाल गुहा और म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है। फिल्म की कमाई 2,75,00,000 हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट गई थी। 2रे नंबर पर है फिल्म पाकीज़ा। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में राजकुमार और मीना कुमारी हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं कमाल अमरोही और म्यूजिक गुलाम मोहम्मद ने दिया है। फिल्म की कमाई 3,00,00,000 हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट गई थी। 1972 में पहले नंबर पर है फिल्म सीता और गीता। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें लीडिंग रोल में हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और संजीव कुमार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं रमेश सिप्पी और म्यूजिक आर डी बर्मन ने दिया है। फिल्म की कमाई 3,25,00,000 हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट गई थी। इन टॉप 10 फिल्मों में से 3 फिल्में धर्मेंद्र की हैं और 2 फिल्में राजेश खन्ना की। 4 फिल्मों का म्यूजिक आर डी बर्मन ने दिया है और 3 फिल्मों का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने म्यूजिक दिया है। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए ये चैनल लाइफ इज क्लासिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर। लाइफ इज क्लासिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।